पति जाए ना बाल्लभा जय गिरिवराधारी जय गोपी जाए ना बाल्लभा जय गिरिवराधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी। इसलिए उन्होंने भगवान का नाम को दे दे इतने सुंदर उन्होंने कीर्तन किया है। बोले आपका मुंह से तो कृष्ण माधव दामोदर कितने कितने नाम सुने, लेकिन कभी कभी आप कहते हो सचिनंदन गौर हरि की जय। जोर से बोलो, बोले सचिनंदन गौर हरि की। कभी कभी आप ये सचिनंदन गौर हरि चैतन्य निमाई, मैं कभी कभी सुनता हूँ ये नाम भी कभी कभी आप ग्रहण करते हो। ये निमाई कौन है, कौन प्रश्न कर रहे हैं? पार्वती। किसको प्रश्न कर रहे हैं? शंकर जी को। ये गौरहरी कौन है, ये चैतन्य कौन है? कभी कभी देखता हूँ ये गौरहरी चैतन्य नाम को आप कभी कभी ग्रहण करते हो। अब कृपा करके थोड़ा बताओ गौरहरी निताई निमाई जो कौन है। बस इतना सुनते ही इतने प्रसन्न हो गए शंकर जी, इतने खुश हो गए, उन्होंने पार्वती का आलिंगन किया। पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया है। आलिंगन करके बोले देखो तेरे जैसे पत्नी को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया, तेरे जैसे पत्नी को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? अगर पत्नी अगर भगवान की भक्ति करती है ना बस वो सचमुच धर्म की लक्ष्मी है। इसलिए भागवत में आता ना एक था आत्मदेव और पत्नी का नाम थी धुंधुली। कभी संसार में ऐसे होता है पति तो बड़े भजन करने वाले लेकिन धुंधुली मतलब अज्ञान अंधकार। कभी कभी पत्नी है ना बड़ी धुंधुली अज्ञानी होती है। पति अगर भजन में जाए पत्नी पूरा उल्टा चलती है। कभी कभी देखना पत्नी तो होती है आत्मपत्नी लेकिन कभी पति है ना ये धुंधुकारी बनता है। कभी कभी पत्नी एकदम धुंधुकारी बनती है, एक जिसको भक्ति भक्ति में कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पति भी आत्मदेव और पत्नी भी आत्मवती हो ना बस उसका घर नहीं उसका घर ही गोलोक वृंदावन, उसका घर ही भगवान की। अगर दोनों पति पत्नी अगर भजन करे भक्ति करे वो घर नहीं, वो घर तो भगवान की धाम बन जाता है, भगवान की धाम बन जाती है। शंकर जी पार्वती को इतने क्यों प्रेम करते, क्या कारण है? क्यों पार्वती को शंकर जी पार्वती को गोद में कभी कभी बैठाते, क्यों बैठाते हैं? अब भागवत तो सुने होंगे जब चित्रकेतु महाराज आकाश में जा रहे थे इन्होंने देखा शंकर जी पार्वती को गोद में बैठा कर रखे और बड़े बड़े ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं। इतने में चित्रकेतु ने थोड़ी सी टोंटी कर दिया, बोले भैया पत्नी को तो एकांत में लेकर गोद में बैठते हैं, तुम तो हरी सभा में हाँ ऋषियों को ज्ञान की बात बता रहे हो और पत्नी को गोद में बैठा करके। बस पार्वती को इतना क्रोध आया, बोले शंकर जी को